अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए थे। मामला था कि बूटी मोड़ में, जहाँ पर के सिन्हा के बगल में है, बड़गाय मौजा में जो है पहने भूमिहरी जमीन, जिसका खाता नंबर है 239। तो ये जमीन, ये हमारा विनोद पाहन जी का लोगों का है, और पहने जमीन को कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, एक्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट भी डिसीजन सही नहीं दे सकता है, उसको खारिज करना ही है। उसी मांग को लेकर के जो हमारे पाहन पुरोहित लोग वहाँ गया था, हम समझते हैं कि 15 तारीख को, मतलब 15 मार्च को गया था ये लोग, सरना उना झंडा पूजा करता है वहाँ सिंह बोंगा धर्मेश का। तो क्या किया, ये मारवाड़ी जो है जलान, रतन जलान, बिना देवी जलान और उसके गुर्गे लोग, झंडा को हटा दिया गया और अपना ताला बंद के फिर अपना जलान लिख दिया। इन्होंने सरहुल को भी गया था झंडा ये करने के लिए, फिर जाति सूचक गाली देकर के आदिवासी देख रहे हैं बेचारे क्या कहेगा, ये लोग पूरे परिवार के लोग गए थे, उसको मार उड़ के भगा दिया गया। उसी को गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग एसटीआईसी थाना आए थे, और आप देखने को मिला है कि पूरे रांची महानगर में, जिला में पहने भूमिहरी आदिवासी जमीन को भूमाफिया गैर आदिवासी लोग पकड़ पकड़ के जो है हमारा जमीन को छीन रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, या थाना आए हैं, इसका हमारा एसआर कोर्ट का भी प्रोसीडिंग है, जो हम लोग जीते हैं उसकी डिग्री हुआ है, और विधानसभा का भी हम लोग दिए हैं, विधानसभा में भी इसकी बात हुई थी। और यदि जलान हो चाहे कोई हो, यदि जहां आदिवासी जमीन पर हड़पने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और यहां नहीं माना तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाएंगे और ईंट का ईंट बजा देंगे। और माफिया तो समझ ले कि आदिवासी को कोई कोल कुकुर ना समझे, अब आदिवासी जाग गया है, और हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद, जितने भी पाहन पुरोहित हैं, आदिवासी पर जहाँ जमीन छीना जाता है उसके हम लोग सपोर्ट में हमेशा आएंगे। झारखंड में कई ऐसे मामले हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।